नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन के एनाटॉमिकल रिलेशनशिप, इसके इम्पॉर्टेंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोलॉजिकली फीटल लाइफ में इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यही एडल्ट लाइफ में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का काम करता है। तो फीटल लाइफ में एरिथ्रोसाइट्स का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन, और वहीं एडल्ट लाइफ में यह आरबीसी को डैमेज करता है, और बर्थ के बाद खासतौर पर कहें तो यहां पर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो स्प्लीन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पाया जाने वाला एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, और इसका रेड सेल्स को यहां पर ग्रेवयार्ड इसे कहा जाता है। इसका इम्यून फंक्शन है, ये आप जानते हैं। अगर हेमरेजिक शॉक हो जाए तो यह रिजर्व ऑफ ब्लड को रखता है। अगर हेमरेजिक शॉक है तो यहां से ब्लड की सप्लाई मिल जाती है, ताकि कुछ देर तक हेमरेजिक्स के बाद ब्लड प्रेशर कम ना होने पाए। इसके अलावा यह रेटिकुलो इंडोथिलियल सिस्टम का फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंस फंक्शन ये अदा करता है। इसके अलावा अगर ये हमारे इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, अगर इसकी हमारे बॉडी में ना पाई जाए, कई बार स्प्लीन को हटाना पड़ता है ऑपरेशन के दौरान, तो ऐसे मामलों में पेशेंट्स में कई तरीके के इन्फेक्शंस के होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये काफी वाइटल ऑर्गन है। एक स्पेसिफिक टर्म हैरिसन डिक्टम, एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जिसके द्वारा हम स्प्लीन के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर हम ऑड नंबर्स का कोड लें 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, तो उसके आधार पर इसे काफी कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप देखिए, ये स्प्लीन है जो कि 9 से लेकर 11th रिब्स के बीच में पाया जाता है। 9 और 11 का कोड डिकोड हो गया। यह इसकी लंबाई 5 इंच होती है। 5 इंच इसकी लंबाई होती है, 3 इंच इसकी चौड़ाई होती है, और इसकी मोटाई 1 इंच के आसपास होती है। इसका जो वेट है वो 7 औंस के आसपास होता है। तो हैरिस डिक्टम के कोड को डिकोड करते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1 इंच थिन, 7 औंस इसकी वजन, 9 से लेकर 11 तक जिस रिब्स पर ये रेस्ट करता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसका लॉन्ग एक्सिस 10th रिब के अलोंग होता है। 3 इंच इसकी विड्थ होती है, 5 इंच इसकी लेंथ होती है। एक बेसिक जानकारी 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 के कोड से हम बता सकते हैं। जब हम लोगों ने स्प्लीन के बारे में पढ़ा था पेरिटोनियम के रिलेशन में, तो उसी समय हम लोगों ने बात किया था ये इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। ये पेरिटोनियम के टॉपिक में डिस्कस हो चुका है। पेरिटोनियम के दोनों ओर से इसको कवर्ड किया रहता है, तो इसलिए ये इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन माना जाता है। प्रॉपर इसकी कवरिंग होती है, कैसे कवरिंग होती है उसको पेरिटोनियम के टॉपिक को जब आप देखेंगे तो वहां समझ पाएंगे। कुछ एनाटॉमी का पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया है सर्जरी में, तो इसलिए बहुत सारा चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होने की वजह से एक बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए सारी चीजें जरूरी है। जब हम स्प्लीन का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो कई सारे ऑर्गन्स के साथ इसका रिलेशन मिलता है। इस तरीके से कुछ इसका हमें ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। लीवर, स्टमक, और स्टमक के बाद इसका कनेक्शन किस तरीके से स्प्लीन से होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने ग्रेटर ओमेंटम के साथ इसके कनेक्शन को देखा था। ये चीज समझने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेरिटोनियम वाले टॉपिक को समझ लें। वहीं पर फेल्सिफॉर्म लिगामेंट्स और जो आगे की ओर लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम है, उन सारी चीजों को हम समझ पाएंगे। गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट्स क्या होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। लीनो रीनल लिगामेंट्स क्या होता है, फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को पहले ही चर्चा किया जा चुका है। पेरिटोनियल फोल्ड्स कैसे बनती हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट्स,
फिर स्प्लिनो रीनल लिगामेंट्स, आप देख सकते हैं ये दो लिगामेंट्स। इसके अलावा फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट्स भी होते हैं जो यहां मेंशन नहीं किया गया है। इन लिगामेंट्स के बीच से आप देखिए न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, कौन कौन सा कहां से गुजरेगा, आप इस लिगामेंट के बीच से ब्लड वेसल्स को गुजरते हुए जब देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट से शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स गुजरती हैं, वहीं लीनो रीनल लिगामेंट्स यानी जो पीछे की ओर स्प्लीन और रीनल का लिगामेंट्स है उसमें स्प्लेनिक वेसल्स होंगे। फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट्स में ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कोई ब्लड वेसल्स तो नहीं होती है, लेकिन ये स्प्लीन को नीचे से सपोर्ट करता है। लीनो रीनल लिगामेंट्स जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ स्प्लीन है, एक स्लाइड के माध्यम से उन्हीं सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स जो कि पेरिटोनियम की डबल लेयर होती है, ये स्टमक के फंडस से हाइलम ऑफ स्प्लीन को कनेक्ट कर रही है, आप देख सकते हैं, और ये अपने भीतर शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रो पिप्लोइक वेसल्स को लेकर के चलती है। स्प्लिनो रीनल इस साइड में जो वेसल्स गुजरेगी वहां पर स्प्लिनिक वेसल्स होते हैं इस लिगामेंट के भीतर, और यह टेल ऑफ पेंक्रियास को भी अपने भीतर इनक्लोज किए हुए मिलता है, आप तमाम किताबों में मिलेंगे। फिर फ्रेनिको स्प्लिनिक लिगामेंट्स और स्प्लिनो कोलिक लिगामेंट्स, इन नामों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक बस ये समझना है कि स्प्लीन के आसपास इसको साधे रखने के लिए और इसके भीतर से ब्लड वेसल्स इन लिगामेंट्स से होकर के सप्लाई मिलती है जो लिगामेंट्स के आसपास के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करती हैं। विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन की बात करें